आप सबकी पुरजोर, अभी तुफैल यही है, कहीं नहीं जा रहे, और मेरे तुफैल यही है अभी, और आप सब की तालियां होंगी चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब के लिए कि वो यहां तशरीफ लाएंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब सितारा इम्तियाज, वो यहां तशरीफ लाएंगे। पुरजोर तालियां बजाओ, शोर मचा के, शोर मचा के। पांच साल करेंगे हम ब्रेक लेंगे, हम झंडा चढ़ाएंगे कराची जो आज काउंसिल के चेयरमैन है और हमारी गवर्नमेंट बॉडी, हम केक काटेंगे जो तुम खाओगे, सही है। और जब कौमी तराना बजेगा तो तुम्हें अपनी माँ की कसम है, जितने पाकिस्तानी हैं सारे के सारे कौमी तराना साथ गाएंगे, जैसा भी आता है, जो भी याद है, और दिल से गाएंगे। जो हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो 7-10 हज़ार मील दूर हैं, 2,000 मील दूर हैं, हमारे बॉर्डर के उस पार, म्यूजिक बंद करो, हमारे बॉर्डर के उस पार हैं, हमारी सफों के अंदर हैं, जहां भी हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान के नौजवान अब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, पाकिस्तान अपने झंडे से उनका प्यार, अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना से उनकी मोहब्बत, और अपनी खूबसूरत मुल्क गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से लेके गवादर जीवनी से लेके बहर अरब तक सब तुम्हारा है। और अपने वो बाप दादा से पूछो, तुम्हारे दादा जब गुलाम थे और आज तुम्हें हक है, कम से कम एजिटेट करने का भी हक है, अपनी बात करने का, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मर्जी है वोट दो, जो मर्जी है करो, लेकिन फतन की जब बात आए तो इस झंडे के नीचे हम सबको एक होना है। सबके सब तालियां बजाओ पाकिस्तान के लिए। हम हमेशा बेटा तुम लोगों के लिए खुशियों का इंतजाम करते रहते हैं, और ये मौका जो है ये एक ऐसा मौका है। अच्छा, तुम सारे, तुम्हें एक बोनस देता हूँ, चलो 2 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच आर्ट्स काउंसिल में बड़ी स्क्रीन पर देखो, और उसको भी तुम सबके साथ मिलकर इंशाल्लाह हम जीतेंगे, ठीक है। तो मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, 1-2 मिनट रह गए, मैं चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल जिन्होंने शहर की तरक्की के लिए बहुत काम किया, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस मौके पे अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहम्मद इकबाल मेमन साहब, भरपूर तालियां इनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 27 रमज़ान को आज़ाद होने वाला ये मुल्क, 14 अगस्त को आज़ाद होने वाला ये मुल्क हम सब का है, इस सब की तरक्की में हम सब ने हिस्सा डालना है। आप सब ने, आप यंगस्टर हैं, आप अपना हिस्सा डालें, इसमें मेहनत करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान